पिछले दिनों दुर्ग में हुए मंत्री यादव की हत्या में उचित कार्रवाई करने व उनके पुत्र को मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और गुहार लगाई। पिछले दिनों दुर्ग पचरी पारा में श्रीराम यादव उर्फ मंत्री यादव की गंज पारा में बीच चौराहे पर मारपीट कर हत्या कर दी गई थी, जिसमें अभी तक अपराधियों की गिरफ्तारी न हो पाने से नाराज अखिल भारतीय महासंघ और यादव ठेठवार संघ द्वारा शुक्रवार को बड़ी संख्या में दुर्ग जिला मुख्यालय पहुंचकर समाज के सदस्यों ने दुर्ग जिला कलेक्टर व जिला अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए और मृतक के परिजनों को मुआवजे के साथ साथ सरकारी नौकरी भी प्रदान की जाए। इसके साथ ही समाज के युवाओं ने प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि यदि उनकी मांगे जल्द से जल्द पूरी नहीं की गई तो यादव समाज द्वारा उग्र आंदोलन आने वाले समय में किया जाएगा। इस संबंध में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। यादव समाज के सक्रिय सदस्य भैया मंत्री यादव जी का बीच चौराहे पर अजय दुबे एवं उनके परिवारजनों द्वारा हत्या कर दी जाती है, किंतु अभी भी अजय दुबे फरार है। हम प्रशासन से आज शांतिपूर्ण मांग करने आए हैं कि जल्द से जल्द अजय दुबे को गिरफ्तार कर फांसी दे एवं शासन द्वारा उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा एवं उनके परिवार को नौकरी दे। लगातार पुलिस द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। ये लास्ट बार यादव समाज यहाँ ज्ञापन देने आई है, अगली बार हम उग्र आंदोलन लगातार लाचारी ही दिखाई देगी। जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो यादव समाज उग्र आंदोलन करेगा। लगातार दुर्ग के विधायक भैया गजेंद्र यादव द्वारा लगातार हमें आश्वासन मिल रहा है, लगातार वो भी लगे हुए हैं। हम उनसे भी अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द अजय दुबे की गिरफ्तारी करवाएं, अभी कोई मांग नहीं। यादव समाज के साथ मंत्री यादव मतलब श्री राम मंत्री यादव जी की हत्या बीच चौराहे पर कर दी गई श्री अजय दुबे के द्वारा और उनके परिवारजनों के द्वारा। तो उन्हीं मांगों के साथ हम यादव समाज के साथ कलेक्टर के पास ज्ञापन सौंपने आए हुए हैं कि हमारे यादव समाज को न्याय मिलनी चाहिए। हम लोग चाह रहे हैं यादव समाज जो उनके हत्यारे हैं श्री मंत्री यादव के, उनके परिवार को नौकरी दिया जाए और उनके हत्यारों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए और 1 करोड़ राशि उनके मुआवजा उनके परिवारजनों को मिलनी चाहिए। राशि नहीं मिलने पर हम उग्र आंदोलन करेंगे और रोड भी जाम करेंगे। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।